Hello everyone, I've got some news for you. I think this news will be very helpful for all shareholders in the banking space, especially in the banking space. Guys, there is an RTI application, right to information application, jiska result aaya hai. I've seen this on a very popular news channel, and all the information in this video is quoted from that source. So the thing is that the application was how many defaults or non-performing assets ka pura list kitna hai Indian banking space mein, aur aapke khaskar SBI ke jo shareholders hai hamare, aapko jankar khushi hogi ki aapka chaheta bank State Bank of India is list mein number 1 par hai. 16% of all bad debts ya non-performing assets NPAs jo kabhi paisa wapis nahi aane wala hai, 16% of all of such money in India belongs to your bank. This is for the shareholders of SBI. SBI ke paas. That amount is 80,000 crore. Actually, to be exact, 88,000 crore rupees. Ye pehla, iski puri ranking dekhiye, wo RTI application mein bahar aayi hai. As a response to the RTI application, the Reserve Bank of India has given these statistics. Just listen to this. And I really can't control my laughter as a value investor ki dekhiye kya kya public sector banks ne kya mazak karke rakha hai. 88,000 crore State Bank of India. Okay, ye public domain mein hai abhi to. Then next on the list of defaults is again a favorite, Punjab National Bank. 40,000 crore ke uske default hai. Number 3 in the batting order of defaults is Bank of India. Bank of India ke defaults hain around 32,000 crore. Number 4, Union Bank of India, 30,000 crore. Number 5, Bank of Baroda, jiske bare mein aaj hi main kisi bade analyst ka sun raha tha ki ye bullish investment, le lo aap aise bank, bahut achhi baat hai. Bank of Baroda is 27,000 crore default, right? आपको लग रहा होगा शेयर का भाव तो आगे बढ़ रहा है, आगे नहीं तो पीछे, ऑल दिस न्यूज़ विल कैच अप. मैंने आपको पहले भी कहा था, बैंकिंग सेक्टर में बी वेरी केयरफुल. उसके बाद दीज आर द 5 सरकारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स. लुक एट द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में नंबर 6 इन द बैटिंग ऑर्डर इज द प्राइवेट सेक्टर बैंक ICICI बैंक. उसका अराउंड 25,000 करोड़. नंबर 7th इज येस बैंक. काफ़ी लोग इसमें फंसे हुए हैं और मुझे, आई एम सॉरी, आई कॉन्ट कंट्रोल, बिकॉज बिना पढ़े, बिना कंसल्ट किए, बिना बुक्स देखे हुए, बैलेंस शीट देखते नहीं, और जस्ट येस बैंक और लीजिए. येस बैंक इज़ ऑल्सो अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास उसका भी होगा. नंबर 6 इन द डिफॉल्ट एंड नंबर 7th इन द, सॉरी, दैट वॉज 6, 7 and 8. सो 6th इज़ ICICI प्राइवेट, 7th इज येस बैंक, एंड नंबर 8th इन द डिफॉल्ट इज एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक का भी थोड़ा सा इसमें डिफॉल्ट है. आपको पता है विच इज़ द ओनली बैंक इन इंडिया जिसका सबसे कम NPA है? 0.5% है. 0.5% द लोएस्ट NPA एज पर दिस RTI. इट्स नो सरप्राइज टू मी, यू नो द आंसर, इट्स नथिंग बट HDFC बैंक. इसीलिए बैंकिंग स्पेस में पीपल आर सो बुलिश ऑन वन बैंक. इसी वजह से पीपल ट्रस्ट. आपको मेरा लास्ट वीडियो याद होगा SBI के ऊपर. गाइज, अंडरस्टैंड, रिलेट टू द न्यूज़. अभी भी आपके पोर्टफोलियो में अगर है, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, माय सजेशन इज़ SBI में अगर आप इन्वेस्टेड हैं, आगे नहीं तो पीछे. ये स्टॉक जब चलता है तो आपको चल रहा है, लेकिन अगर ये अटका, इफ दिस स्टॉप्स बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ न्यूज़, तो ये बहुत लंबे के लिए रुकेगा. मैंने आपको कहा था ना, डबल ट्रिपल SBI भी हो सकता है, दूसरा बैंक भी हो सकता है, लेकिन इफ़ यू आर इन्वेस्टेड इन SBI, व्हाट यू आर डन इज़ यू आर टेकिंग मोर रिस्क्स, दीज एक्सटर्नल रिस्क्स. आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, रिटर्न आपसे ज़्यादा शायद कोई और कमा ले. आज के डेट में HDFC बैंक से बेटर कोई ऑप्शन है ही नहीं, बिकॉज आप देखो, आपके पास डेटा है, यू हैव एवरीथिंग इन द पब्लिक डोमेन, एंड सबसे कम NPS के साथ साथ सबसे रोबस्ट प्रोसेसेस हैं. प्रोसेसेस इतने रोबस्ट हैं कि यू नो, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. अब मेरे पास ये एप्लीकेशन, मैंने एक हमारे रिसर्च में, एक वीडियो में देखा, तो मुझे पता चला कि ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ आप सबसे शेयर करनी चाहिए.
सो ये 8 बैंक्स है टोटल, 5 पब्लिक सेक्टर और 3 प्राइवेट सेक्टर में, आईसीआईसीआई, एक्सिस एंड येस बैंक। बी केयरफुल बिकॉज बैंकिंग इज़ नॉट लाइक अदर कंपनीज, तो बैंकिंग में थोड़ा ज़्यादा अपने पैसे को संभाल के रखना पड़ता है। एनी वे आई विल कम बैक विथ अनदर रिसर्च, अनदर वीडियो, एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो पार्ट 2 है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा वेरी सून। टिल द टाइम वी मीट अगेन, कीप प्रॉफिटिंग एज ऑलवेज़।